हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। Myself, सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैम ने आपको बड़े उ की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा, इन तीनों मात्राओं का बहुत अच्छे से अभ्यास करवाया था। ओके, तो मुझे आशा है आप सभी को इन तीनों मात्राओं का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। आपने घर पर इन तीनों मात्राओं से संबंधित शब्दों और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास भी किया होगा। पर बच्चों, आपके अभी पीरियोडिक टू ओरल असेसमेंट आ रहे हैं, तो मैम आज आपको फिर से इन तीनों मात्राओं से संबंधित शब्दों और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करवा रही है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, कौन सी मात्रा है वो? ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की, ओके, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो अपनी उंगली को शब्दों और वाक्यों के नीचे रखते हुए पढ़ेंगे। ओके, अब आप देखेंगे मैम आपको कैसे अभ्यास करवा रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दों को। तो बच्चों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ध, ध में ऊ की मात्रा, धूल, धूल। आप कैसे पढ़ेंगे? धूल। ओके, आपको डायरेक्टली पढ़ना है। तो चलिए मैम आपको अभ्यास करवा रही है, धूल, जेल, कैद। ये है बड़े उ की मात्रा, ये है ए की मात्रा और ये ऐ की मात्रा। ओके, कपूर, घेवर, फैशन, चबूतरा, महादेव, लठैत, सूरत, केवल, नैनीताल, दूध, देखरेख और बैर। ये तीनों मात्राओं से संबंधित शब्द थे। अब हम वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओके, तो ये जो वाक्य है वो बड़े उ की मात्रा से संबंधित है। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं। भालू, मदारी, व जमूरा, बाजार गए, सूरतगढ़ की खूबसूरत रानी का नाम रूपवती था, जादूगर का नाम कामरूप था, चारू अमरूद लाया, सड़क पर धूप खिली थी। ओके, अब हम अगले इन वाक्यों को पढ़ेंगे। यह वाक्य ए की मात्रा से संबंधित है। कौन सी मात्रा से? ए की मात्रा से। अब उसके पास रेल का टिकट खरीदने के लिए रुपये भी नहीं थे, वह फिर हवाई जहाज का टिकट किस तरह से खरीदता? एक मेले में उसने मजदूरी की, रुपये जमा किए, तब वह अपने देश वापस आया, दूसरे के घर से अपना घर भला था। अब जो ये वाक्य है बच्चों, ये आई की मात्रा से संबंधित है। ओके, तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। कैलाश थैला लेकर पैदल ही बाजार गया है, वह लठैत शैतान बड़े वैभव के साथ उस खपरेल के नीचे रहता है, हैवान कभी भी भला
आदमी नहीं बन सकता। यज्ञ वेदी पर बैठकर दैनिक रूप से वैदिक रीति का पालन करना चाहिए। सो किड्स, आपको अपने पीरियोडिक टू ओरल असेसमेंट के लिए आपके स्वर संसार बुक में इन तीनों मात्राओं से संबंधित जितने भी पेजेस हैं उनको इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है। आप उस बुक में से शब्दों को भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे और वाक्यों को भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, आपके पीरियोडिक टू ओरल असेसमेंट आ रहे हैं, इसके लिए मैम आपको फिर से कविताओं का अभ्यास करवा रही है। ओके, तो चलिए हमारी पहली कविता है, उसका शीर्षक है मुझे मत गिराओ। ओके, तो मैम के साथ में आप गुनगुनाएंगे। मैं हूं वृक्ष, मुझे मत काटो, काट काट कर मुझे ना बांटो, पक्षी मेरी डाल पर बैठे चू चू ची ची करते रहते, हर टहनी पर घर बनाए, मेरे फूल और फल भी खाए, बेघर उनको मत बनाओ, उनका खाना मत चुराओ, तुम्हें हवा और छाया देता, प्रदूषण को मैं ले लेता, फिर भी मुझे गिराओगे तो यह सब कुछ कैसे पाओगे। बच्चों, हमारी दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है चूहे राजा चले चांद पर। चूहे राजा चले चांद पर लेकर रॉकेट यान, मक्खन बिस्कुट केक वगैरह लिया बहुत सामान, बोतल भूल गए पानी की हुआ बड़ा अफसोस, चांद वहां से बहुत दूर था, धरती थी दो कोस, नब में उड़ते हुए यान से मारी एक छलांग, मक्खन बिस्कुट केक छोड़कर नीचे गिरे धराम। तो बच्चों, हमारी अगली कविता का शीर्षक है चीटी रानी। सुनो सुनो ओ चीटी रानी, इतना अधिक न काम करो, बैठो कुछ क्षण तुम छाया में और जरा आराम करो। चीटी बोली प्यारे बच्चे, कैसे कर लूं मैं आराम, अभी शेष है मेरा काम, चावल चीनी आटा राशन ढो ढो कर ले जाऊंगी, जब होगा बरसात का मौसम घर पर बैठी खाऊंगी। तो बच्चों, अब हमारी अगली कविता है, उसका शीर्षक है जेट जहाज। धुएं सी लकीर ये कैसी, उसके आगे तीर के जैसी, तोता पूछे कौए भाई, यह कैसी चिड़िया है आई, कौआ बोला काय काय, मुझे तो कुछ भी समझ न आए, बहुत तेज यह उड़ती जाती, अपने पंख भी नहीं हिलाती, उल्लू था एक बैठा पास, बोला मुझे पता यह बात, जेट जहाज है इसका नाम, हवा में लड़ना इसका काम। तो बच्चों, आप इन चारों कविताओं को अपने पीरियोडिक टू ओरल असेसमेंट के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से इसको याद करेंगे कविताओं को विद एक्शन के साथ, और जब आपके एग्जाम होंगे तो आप मैम को बहुत अच्छे से सुनाएंगे। ओके बच्चों, आप पीरियोडिक टू ओरल असेसमेंट के लिए बड़ा उ, ए और ऐ की मात्रा से संबंधित पठन और श्रुतलेख शब्दों का अच्छे से अभ्यास करेंगे, और मैम ने जो आपको कविताएं सिखाई है उनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।